अपने अतीत में जाना या अपने पुराने रूप से मिलना आज भी साइंस फिक्शन की ही बात लगती है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी वो लिंक बना रही है जो आज के रूप को हमारे अतीत के रूप से जोड़ दे। टॉम वाइलर वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्हें तलाश है एक बहुत ही छोटे से टाइम ट्रेवलर की। अगर उन्हें वो मिल गया तो टॉम उसके जरिए अतीत में संदेश भेज सकते हैं। आपके एक नया वॉइस मैसेज है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने अपना बटुआ टेबल पर छोड़ दिया है, उसे जरूर उठा लेना। और भविष्य से आने वाले संदेश रिसीव भी कर सकते हैं। टॉम का टारगेट है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी अभी खोज नहीं हुई है और जिसका नाम है हिग्स सिंगलेट। जब हमारे सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर ने हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल बनाया था, तब वो अकेला ही बना था। हिग्स सिंगलेट शायद सब एटॉमिक शार्पनेल का एक हिस्सा हो, लेकिन उसे ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। हिग्स सिंगलेट बहुत जल्दी हमारी रियलिटी से निकलकर अंतरिक्ष के किसी और डायमेंशन में पहुंच सकता है। इस बात पर भी काफी मैथमेटिकल बहस हो रही है कि 3 से ज्यादा स्पेस डायमेंशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक जिन पार्टिकल्स को मापा है वो सब स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स हैं और वो हमारे 3 डायमेंशनल स्पेस से निकलकर किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन में नहीं जा सकते। इसलिए हिग्स सिंगलेट एक बड़ा ही खास पार्टिकल बन गया है। हिग्स सिंगलेट की खूबियों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रॉय रेस ट्रैक असल में हमारे अंतरिक्ष का डायमेंशन है। इसका फ्लैट स्ट्रेट अवे हमारे 3 जाने पहचाने डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका लूप द लूप एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन है। अभी तक हमने जितने भी पार्टिकल की खोज की है वो सभी उन 3 फंडामेंटल फोर्सेज में से किसी एक या ज्यादा का खिंचाव महसूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स का वो पार्टिकल किस फोर्स या फोर्सेस को महसूस कर रहे हैं वो उसके चार्ज पर निर्भर करता है। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है या वीक चार्ज, या फिर वो चार्ज है जिससे वो स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस करे। हमें अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला जिसमें कोई चार्ज ना हो। ऐसे में जब हम किसी नॉर्मल पार्टिकल को देखते हैं तो चूंकि उस पार्टिकल में कोई ना कोई चार्ज होता है और वो चार्ज 3 डायमेंशन से जुड़ा होता है, जिसे यहाँ इस हरी कार से दिखाया गया है। चूंकि नॉर्मल पार्टिकल्स हमारे 3 डायमेंशन से जुड़े होते हैं, इसलिए वो समय में बस एक ही तरफ जा सकते हैं, लेकिन टॉम मानते हैं कि हिग्स सिंगलेट इनसे बिल्कुल अलग होता है। उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। उसे सिंगलेट इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ एक फोर्स को महसूस करता है, ग्रेविटी को। इसलिए वो अपने रास्ते से बहुत दूर जा सकता है। टॉम को लगता है कि हिग्स सिंगलेट किसी एक्स्ट्रा डायमेंशन तक भी जा सकता है, उस स्पेस तक भी जहां वो पलट कर अपने ही ऊपर आ जाता है। ये उसे यू डायमेंशन कहते हैं। तो यू डायमेंशन बहुत ही छोटा है। हिग्स सिंगलेट उसी एक्स्ट्रा डायमेंशन में रहता है जिसे इस टॉय मॉडल में हमने लूप के रूप में दिखाया है। हिग्स सिंगलेट जैसे ही इस लूप के अंदर आता है वो कुछ देर के लिए समय के एक तरफा फ्लो के विपरीत जाने लगता है। अगर मैं उस समय को देखूं जिसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि वो भी एक कोऑर्डिनेट है और उसकी उन थ्योरी में कुछ भी फंडामेंटल नहीं है जो ये कहता है कि समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हिग्स पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव टाइम की तरफ जाएगा और इस दिशा में वो नेगेटिव टाइम की ओर बढ़ेगा और एक बार फिर से पॉजिटिव टाइम की ओर जाएगा। ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए उसे अंत तक पहुंचने में ज्यादा समय भी लगता है। लेकिन सच तो यह है कि अगर उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में समय पीछे की ओर चलता है तो उसे इस लूप में चलते वक्त ज्यादा तेजी से चलना चाहिए। इससे इस बात का भी सुराग मिलता है कि उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर स्विट्जरलैंड में लगा लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक प्रोटॉन को करीब करीब लाइट की स्पीड से दूसरे से टकराता है। उनकी टक्कर से सब एटॉमिक डेब्री की बरसात होने लगती है। उनकी जो 1 सेकंड के बस कुछ भाग तक ही जिंदा रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। टॉम को लगता है कि इनमें से ही एक पार्टिकल उनका रहस्यमय टाइम ट्रैवलर हो सकता है, लेकिन समय में पीछे की ओर सैर करने वाले हिग्स सिंगलेट को ढूंढने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसे बनाने के लिए होने वाली टक्कर के पहले क्या होता है। हमारी घड़ियों पर नजर आने वाले समय के मुताबिक उसके बनने के पहले पार्टिकल बिखरते हैं।
अभी एलएचसी उन टक्करों को उनके होने के पहले नहीं देख सकता। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो यह है कि पार्टिकल के बनने के पहले कोई डिके या कॉलिशन नहीं होता। हो सकता है कि हम अनजाने में ही हिग्स सिंगलेट बना रहे हों, और टॉम मानते हैं कि उनका वो रहस्यमय पार्टिकल हमें एक दिन समय में पीछे ले जाए। अगर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उन पार्टिकल्स को कम से कम मॉर्स कोड की तरह भेज सकते हैं। हम अपने अतीत में एक सिग्नल भेज सकते हैं। उसकी मदद से हम अपने जवान रूप को भी एक मैसेज भेज सकते हैं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुमने अपना बटुआ टेबल पर छोड़ दिया है, उसे जरूर उठा लेना। अतीत के कम्युनिकेशन लिंक्स तो शायद आज भी हमारे पास है, और इस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट का कहना है कि इन्होंने उसे बनाने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। क्या हम सचमुच एक टाइम मशीन बना सकते हैं? मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास एक टाइम मशीन हो, ताकि मैं उन यादगार पलों को एक बार फिर से ताजा कर सकूं, या कुछ और करने का मौका पा सकूं। टाइम ट्रेवल पूरी तरह से बना पाना बिल्कुल संभव है, वर्महोल की मदद से। स्पेस और टाइम में बने एक खगोलीय शॉर्टकट से। किसी ने आज तक कोई वर्महोल देखा नहीं है, इसलिए शायद हमें वो भी बनाना पड़े। लुक बचर स्कॉटलैंड की एडिनबरो यूनिवर्सिटी में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। वो स्पेस टाइम के डिस्टॉर्शन की स्टडी करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी ब्रह्मांड के फैब्रिक को मोड़ देती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन एनर्जी और ब्रह्मांड के मैटर के साथ साथ उस मैटर से बने कर्वेचर के बीच एक रिश्ता बनाते हैं। हमारे पास एक सपाट चीज होती है, हम उसमें थोड़ी एनर्जी डालते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि उस एनर्जी की वजह से स्पेस मुड़ जाएगा, और अगर एनर्जी ज्यादा डाली जाए तो वो उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। वर्म होल उस स्पेस टाइम में आया बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है। वो थियोरेटिकली स्पेस के दो अलग अलग पॉइंट और समय के दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ते हैं। अभी तक हमने किसी वर्म होल को नहीं देखा है, लेकिन हम मैथमेटिकली उनकी स्टडी कर सकते हैं। हम अपने अंदाजे से स्पेस टाइम का एक आकार बना सकते हैं, और फिर उसे आइंस्टाइन की इक्वेशंस में डाल सकते हैं, और फिर उन इक्वेशंस से जिस तरह की एनर्जी निकलेगी वो स्पेस टाइम के वजूद और उसकी स्थिरता के लिए जरूरी होगी। लूक ने ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि एक वर्म होल के अंदर स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए क्या चाहिए ताकि कोई उसके बीच से गुजर सके। पता लगा कि उसके लिए एक खास तरह की एनर्जी चाहिए, जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जीरो एनर्जी क्या होती है। जीरो एनर्जी का मतलब है वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम भी पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसके अंदर भी क्वांटम पार्टिकल्स भरे होते हैं जो बनते हैं और खत्म होते हैं। अगर हम उस क्वांटम फ्लक्चुएशन में से कुछ को खत्म कर दें तो हमें मिलेगी नेगेटिव एनर्जी। साइंटिस्ट अपनी लैब में थोड़ी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी बनाने में कामयाब रहे। अगर हम यही काम बहुत बड़े पैमाने पर करें तो हो सकता है कि हम वो वर्म होल भी बना लें जिससे हमें अपने अतीत में जाने का रास्ता मिल सके। लेकिन एक समस्या है, मैथमेटिक्स के मुताबिक वर्म होल बड़े ही अनस्टेबल होते हैं। अगर हम उनके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन बंद हो जाएंगे। अगर हम उसका इस्तेमाल टाइम मशीन या एक से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट की तरह करेंगे तो शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे छोर तक पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ल्यूक को भले ही एक ज्यादा स्थिर वर्म होल बनाने का तरीका मिल गया हो, पर वो सवाल बरकरार है, क्या ये एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा? हम अभी अपनी जानकारी के छोर पर हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि इसका जवाब ना तो पूरी तरह से ना है और ना ही पूरी तरह से हाँ है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम करीब करीब लाइट की स्पीड पर इससे एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं और वो इसके पार भी चला जाएगा। ल्यूक का वर्महोल डिजाइन के तौर पर इतना संकरा है कि उससे किसी इंसान का गुजर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे एक लाइट बीम जरूर गुजर सकती है, और अपने अतीत में एक मैसेज भेजने के लिए हमें बस वही चाहिए। हो सकता है कि आगे वाले दिनों में कोई और एक नया ट्विस्ट ढूंढ ले, और तब शायद एक वर्म होल से एक इंसान जितनी बड़ी चीज भी गुजर सके। देखने में भले ही ऐसा लगता है कि समय हमें लगातार अतीत से भविष्य की ओर ले जा रहा है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड असल में इस तरह से काम नहीं करता।
सच तो यह है कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो ब्रह्मांड के फैब्रिक पर भी छप जाता है। हो सकता है कि एक दिन हमें अतीत और भविष्य के धागों को साथ में बुनने का तरीका मिल जाए, और तब शायद हम समय की अंतहीन संभावनाओं के साथ भी खेल सकें।